जिया को बेचे हुए मेरा आज करीब करीब बोलेंगे तो 2 सप्ताह होने जा रहा है। ये बता देते हैं कि वो भी फेयरिंग है, मतलब ये जैसे स्टेसी है वो भी वैसे ही है। ये देखो भाई, ये कमी नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे आप सभी को, आई हो बच्चे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अपनी जिया तो है नहीं, पर क्या भाई अपनी स्टेसी है ना, तो इसी पे अभी ब्लॉग बनाएंगे। जिया को बेचे हुए मेरा आज करीब करीब बोलेंगे तो 2 सप्ताह होने जा रहा है। जिया को सेल करके तो मेरे को बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है। ट्राई कर रहे हैं कि भाई जल्दी आ जाए, जल्दी आए। शोरूम वाला पे प्रेशर भी डाल रहे हैं। शोरूम वाला ये बोल रहा है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तो बनाते नहीं है ना, बाहर से आता है। भाई इतना दिन क्यों लग रहा है भाई, हम तो परेशान हो गए हैं। लोग देने उने का मन है कि नहीं है पता नहीं, या फिर बाइक सेल करने का मन है कि नहीं इतना दिनों तक। और एक चीज आप लोग को बता दें कि कौन सा बाइक है, अगर अभी बता देंगे तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा। ये बता देते हैं कि वो भी फेयरिंग है, मतलब ये जैसे स्टेसी है वो भी वैसे ही है। तो आप लोग गेस कर सकते हो मेरे को कमेंट में कि कौन सा बाइक है। तो आज हम स्लो निकल चुके हैं रिंग रोड पे, एंड आज जा रहे हैं हम फिर से बुंडू। एग्ज़ाम है मेरा, जब भी एग्ज़ाम रहता है तो मेरे को अकेले ही जाना पड़ता है, नहीं तो राइड पे तो लाक्स रहता ही है। ऐसे आज लाक्स नहीं है तो स्टेसी है मेरे साथ। इसका साउंड बवाल साउंड भाई, खतरनाक। तो मेरा एग्ज़ाम है 11 बजे से, मेरे को आराम से जाना होगा। पिछले बार सीन हो गया था गाइस, एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे तो हम एग्ज़ाम ही छूट गया था मेरा, तो इसलिए इस बार अच्छा से प्रेम से एकदम नॉर्मली। तो चलो फटाफट निकलते हैं भाई, एग्ज़ाम देते हैं फिर रिटर्न आते हैं अपनी स्टेसी के साथ। अकेले कहाँ हैं भाई, मेरी जिया तो हमसे दूर हो गई है पर अपनी स्टेसी है। अभी आज स्टेसी के साथ चलते हैं, अपनी जिया के साथ तो हमेशा राइड करते ही हैं और बहुत मिस करेंगे भाई। जिया को तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिया काश मेरे पास ही रहती और हम एक न्यू सुपर बाइक ले पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। हम ट्राई कर रहे थे कि जिया भी रखें और सुपर बाइक भी लें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए फिर हम जिया को सेल कर दिए। उसके बाद फिर अभी आएगा न्यू सरप्राइज, बोले भाई यूनिक रहेगा रांची में, ये बता देते हैं। तो समझ सकते हो कि कुछ अलग होने वाला है इस बार, और मीटअप तो होगा ही होगा। तो चलो इसको चला के तो बहुत मज़ा आता है इसको, ये जब बाइक आती है ना हाथ में तो ऐसा लगता है कि पावर आ गया है हाथ में भाई, मज़ा आता है। थ्रोटल लो और ये भागने के लिए रेडी, देख रहे हो खतरनाक। अब ना मेरे को यार इसका आदत करना पड़ेगा फेयरिंग बाइक का। इससे पहले तो बस हम कभी कभी चलाते थे ना भाई फेयरिंग बाइक, पर अब मेरे को डेली चलाना पड़ेगा, तो कुछ दिनों तक सब ये हाथ सब दर्द देगा, आदत पड़ने के बाद फिर ठीक हो जाएगा गाइस। तो अभी भी मेरे को हल्का हल्का दर्द दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा चलाने से दर्द देता है। फेयरिंग बाइक में यही है कि झुक के रहना पड़ता है, और नेकेड में रहता है सीधा सीधा बैठ के रहो तो उसमें पता नहीं चलता है। NH33 में तो बहुत सारा बैल लोग रहता है भाई, गाय बकरी क्या क्या रहता ही है, इसलिए भाई जब भी आते हो आप लोग ध्यान से। एक बार मेरे से गलती हो चुका है तो आप लोग को बोलेंगे कि वो गलती आप लोग भी मत करो। चलो एग्ज़ाम देते हैं फटाफट भाई। तो भाई आप लोग हंसोगे, हम बोलेंगे ना अभी मेरे को 2 काम है, तो आप लोग हंसोगे कि ये छोटा छोटा काम के लिए काम बोल रहा है ये। तो मेरे को 2 काम है छोटा सा, एक पेन लेना है और एक एडमिट कार्ड निकालना है। तो एक दोस्त को बोले तो हैं हम कि एडमिट कार्ड निकाल देना करके, अगर वो निकाल देता है तो मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा, फिर एक ही काम रह जाएगा कि मेरे को पेन लेना है। और ये देखो भाई बैल, अब ये देखो ये किधर जाएगा मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। साउंड कम कर देते हैं,
ये देखो यही प्रॉब्लम है गाइस। फाइनली गाइस कॉलेज तो पहुंचने वाले भाई, यहाँ पे सीन हो गया। अभी अब मेरे को जाना पड़ेगा कॉलेज रोड साइड, क्योंकि मेरे को निकालना है एडमिट कार्ड। फ़ोन में तो चलेगा नहीं, इसीलिए मेरे को निकालना पड़ेगा। ये कैफे खाली लग रहा है। भैया एक पेन दीजिए तो भाई, अंदर रखना ज़रूरी है। इतना ही है कि भाई हट नहीं रही है। अच्छा, गार्ड बैठा हुआ है। हाँ, ठीक। कहाँ पे? पुराना प्लेस। हाँ, और मना हो गया यहाँ। अच्छा, जाने का। हाँ, एकदम मना। अच्छा, वहाँ है ना गार्ड? हाँ, गार्ड है वहाँ। चलो एग्जाम तो दे दिए भाई, नंबर आएगा कि नहीं पता नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ से कहीं टर्न करने का नहीं है, आगे से जाएंगे टर्न लेंगे। फिलहाल में कहीं एग्जाम नहीं है तो आराम से टूर कर सकते हैं। अरे चचा लोग तो कुछ दिन पहले ही सूर्य मंदिर तो आए हुए थे, पर हमको उस टाइम पे पता नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए फिर आना पड़ा दोबारा। सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, अब एक ही बार रूम जाके खाएंगे। भाई ये देखो टैमरा घाटी, यहाँ तो हमेशा देखते ही होगे मेरे को। और यहाँ पे ना बहुत कोई बोलता है टाइम चेंज, मतलब टाइम डेट ये सब चेंज हो जाता है, तो ऐसा तो मेरे साथ कभी सीन हुआ नहीं है। 24 घंटा मतलब कभी भी आते जाते हैं हम इस रूट पर, पर मेरे साथ तो ऐसा कभी सीन नहीं हुआ है। पता नहीं किसी के साथ होता होगा, वो तो मेरे को नहीं पता। अगर किन्हीं का हुआ है तो मेरे को कमेंट करना भाई कि किन का हुआ है। ए चचा रुको भाई, अचानक उधर का इंडिकेटर देके इधर इंडिकेटर दे दिया भाई, और सीधा आने का ही बात कर दिया ही। तो भाई अपना भी आने दो ना, ये साउंड तो सुनने मिलते रहेगा। बाकी ये गाय गाय सबसे बच के यहाँ पे साउंड कर दो धीमी एकदम, कुछ पता ही ना चले। ये देखो भाई, ये कमी नहीं होना चाहिए, देख लो फुल रहना चाहिए फुल। मज़ा आता है ऐसे देखने में जब उछल के बाहर आ जाए ना। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा रूम, यार थक गए हैं, काफ़ी थक गए हैं, लिख लिख के हाथ दर्द दे रहा है। इतना सारा लिखना पड़ता है ना भाई, ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। लिख लिख के हम सही में थक गए हैं। चलो गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड न्यू बाइक बहुत जल्द आने वाला है, सरप्राइज़ तो रहेगा ही रहेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अरे भाई ये कहाँ का जाम है, इतना ख़तरनाक हो।
ओह माय गॉड, एक तो इतना भयंकर भूख लग रहा है और ऊपर से ये जाम। ठोकेगा ना, फिर हम बताएंगे उसको क्या चीज है। हम ओहो हो, रिएक्शन भयंकर।